हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दोलन बंद हो जाती। अपनी योग शिविरों में संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले बाबा रामदेव ने जब संवाददाता सम्मेलन का माइक संभाला तो संयम के सारे पाठ भूल गए। मीठी वाणी का उपदेश देने वाले बाबा ने ऐसी वाणी बोली कि पूरे देश में कोहराम मच गया। देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दलितों के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में लखनऊ में बाबा के खिलाफ एक FIR भी दर्ज की गई। बात मुकदमे तक पहुंची तो बाबा बैकफुट पर नजर आए और अपने बयान से यूटर्न लेते हुए नेताओं के अंदाज में कहा कि उनके बयान का मतलब गलत निकाला गया। जो हमने राहुल जी के बारे में जो कहा उसको गलत तरह से प्रेजेंट किया। फिर भी यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। बाबा पर पहले से ही टेढ़ी नजर रखने वाली कांग्रेस को बैठे बिठाए योग गुरु पर हमला करने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने बाबा के बयान को दलित विरोधी करार दिया। शर्म लिहाज नाम की कोई चीज तो है नहीं, और वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं वो कम से कम किसी बाबा से तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। दूसरों को जो मशवरा दे रहे हैं मेरे ख्याल में उनको पहले अपने ऊपर गौर करना चाहिए, और जो मशवरा वो किसी और को दे रहे हैं वो मशवरा चाहे तो खुद उस पर अमल करें पहले। पता नहीं उस समय जब उन्होंने ये बात कही क्या कपड़े पहने हुए थे, मुझे इस बात का मालूम नहीं, क्योंकि उनके अलग बयान, जब वो साड़ी पहनते हैं तो कुछ बयान आते हैं, कुछ और पहनते हैं तो कुछ बयान आते हैं, इसके बारे में मुझे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। वाम दल भी बाबा के इस बयान के खिलाफ कांग्रेस के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। मिस्टर रामदेव हैज क्रॉस्ड ऑल लिमिट्स, ही डजंट नो व्हाट ही स्पीक्स। भाजपा के समर्थन का ऐलान कर चुके बाबा के बचाव में अब पार्टी पूरे जोर शोर से जुट गई है। बयानों के पिच पर बीजेपी बाबा की तरफ से बैटिंग करती नजर आ रही है। जिस तरह से शीर्ष नेताओं ने एक के बाद एक बदजुबानी की और बिल्कुल ऐसी चीजें जिसका कि कहीं सर और पैर न हो, उसके बाद अब उनको जरा सा अगर कुछ हुआ है तो उस पर जो है वो माफी मांगने की बात कर रहे हैं, उसके उस पर जो है वो परेशान और हताश दिखाई पड़ रहे हैं। शुक्रवार को रामदेव ने राहुल पर हमला बोलते हुए मर्यादा की हदों को ही लांघ दिया। बाबा ने कह दिया कि राहुल दलितों के घर हनीमून और पिकनिक मनाने जाते हैं। साथ ही ये भी कहा कि अगर राहुल ने किसी दलित लड़की से शादी कर ली होती तो उनकी किस्मत जाग गई होती और वे प्रधानमंत्री बन गए होते। हमेशा गांधी परिवार पर हमलावर होकर बाबा कांग्रेस को घेरने की कोशिश करते थे, लेकिन इस बार योग गुरु का बयानी आसन फिट नहीं बैठा और बाबा खुद इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। संयम और धैर्य का पाठ पढ़ाने वाले बाबा को ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए ताकि लोकतंत्र का महासमर ऐसे ओछे बयानों से कलंकित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।